वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ज़ीरो सेमेस्टर के बारे में। ज़ीरो सेमेस्टर क्या होता है? तो ज़ीरो सेमेस्टर उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनके 45% से कम मार्क्स होते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स के 45 या उससे ज़्यादा मार्क्स होते हैं उनको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स के 45 से कम मार्क्स होते हैं उनको डायरेक्टली एडमिशन नहीं मिलता। तो उनके लिए ज़ीरो सेमेस्टर डिज़ाइन किया गया है, और इसको डिज़ाइन इसीलिए किया गया है ताकि उन स्टूडेंट्स को भी चांस मिल जाए एडमिशन लेने का जिनके 45 से कम मार्क्स हैं। अब जाहिर सी बात है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पास तो हो जाते हैं लेकिन उनके मार्क्स 45% से कम होते हैं, तो उनके लिए भी ये एक चांस है कि वो भी एडमिशन आगे ले सकते हैं। और ज़ीरो सेमेस्टर के अंदर बेसिक कोर्सेज इंक्लूड होते हैं, ऐसे कोर्सेज इंक्लूड होते हैं जिससे बेस बन जाती है। अब जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 45 से कम होते हैं उनकी बेस ख़राब होती है, इस वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही इशू होता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब वो बेसिक कोर्सेज पढ़ते हैं ज़ीरो सेमेस्टर में, तो उससे क्या होता है कि उनका लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब उनका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर आगे जिस डिग्री प्रोग्राम के लिए वो ज़ीरो सेमेस्टर कम्प्लीट करते हैं उस डिग्री प्रोग्राम को कम्प्लीट करना भी उनके लिए आसान हो जाता है। जितना अच्छी तरह वो ज़ीरो सेमेस्टर में लर्न करते हैं उतनी अच्छी तरीके से फिर वो अपना डिग्री प्रोग्राम भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थी आपके सामने कुछ डिटेल ज़ीरो सेमेस्टर के बारे में। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है ज़ीरो सेमेस्टर के बारे में, तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।